पवित्र श्रीमद् भागवत गीता, पवित्र चारों वेद, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र बाइबल, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब, पवित्र कबीर साहिब की वाणी में छुपे हुए गूढ़ रहस्य अर्थात तत्व को जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अब यहां देखिएगा, ये एक ब्रह्मांड है, अब इस पवित्र गीता जी को जब आप समझ लोगे ना डंगते हैं, फिर तो आप समझ में आ जाओगे, आप आ जाओगे इस दास के पास, जैसे गीता में लिखा कि संत ने ढूंढ ले भाई ना तेरा उद्धार कति नहीं। अब ये देखिएगा, ये एक ब्रह्मांड है और इस एक ब्रह्मांड में ये श्री विष्णु जी का लोक है, ये श्री ब्रह्मा जी का, ये श्री शिव जी का, और ये एक एक गुण युक्त है और इन तीनों की प्रभुता इस पृथ्वी लोक और स्वर्ग लोक और इस पाताल लोक पर है। ये पाताल लोक है, ये यहां बैठकर अपनी इनकी एक एक नारे लोक राजधानी है इन भगवानों की, यहां से ये कंट्रोल करते हैं एक एक विभाग, यानी इनका एक एक विभाग है इन तीनों लोकों में, स्वर्ग लोक, पृथ्वी लोक और पाताल लोक में। और ये काल स्वयं प्रत्येक ब्रह्मांड में एक अलग से स्थान बनाकर वहां बिल्कुल ऐसा कट ऑफ किया, इसने कोई नहीं जा सकता यहां पर, ना ब्रह्मा जा सके, ना विष्णु जा सके, ना शिव जा सके, ना देवी जा सकती। ये देवी को भी अपनी शक्ति से वहां बुलाता है जब ये तीन पुत्रों की उत्पत्ति करता है। और ये स्वयं एक ब्रह्मांड में, ये स्वयं मुख्यमंत्री काल और इसके पुत्र तीनों मंत्री, ये केवल एक ब्रह्मांड में। अब देखिएगा इस काल के ऐसे ऐसे 21 ब्रह्मांड तो ये काल के हैं, ब्रह्म के, और इस एक ब्रह्मांड में ये ब्रह्मा विष्णु महेश एक विभाग के मंत्री हैं, ये सर्ववासुदेव नहीं हुए क्योंकि एक विभाग में व्यापक हैं। और ऐसे ऐसे ये 5 ब्रह्मांडों का एक ग्रुप बना के एक महाब्रह्मांड बना रखा है, ऐसे ऐसे 20 ब्रह्मांडों को रोक कर 4 महाब्रह्मांडों में 20 ब्रह्मांडों को रोका है, और 21 महाब्रह्मांड इस काल ने स्वयं अपनी महाब्रह्मांड रूप में एक ब्रह्मांड अपनी राजधानी रूप में रखा है। और ये काल केवल इन 20 ब्रह्मांडों में ही 21 ब्रह्मांडों में व्यापक है, ये सर्व व्यापक नहीं है। अब देखो, अब सती जी देखो, वासुदेव भगवान की, जिसे वासुदेव कहा जा सकता है, श्री कृष्ण के पिताजी का नाम वासुदेव था क्योंकि वेदों में वासुदेव एक बहुत उत्तम नाम है, और वेदों के आधार पर ब्राह्मण लोग, गुरु लोग अपने अनुयायियों के पुत्रों का नाम रख देते थे, वासुदेव बहुत अच्छा नाम है, लेकिन श्री कृष्ण वासुदेव नहीं थे, ना विष्णु वासुदेव है। अब देखो, ये एक 21 ब्रह्मांड में काल तो इसमें व्यापक है, यानी इतना ही व्यापक है, सर्वव्यापक नहीं है, और ये परब्रह्म अपने 7 संगब्रह्मांडों में व्यापक है, ये सर्वव्यापक नहीं है, और ये पूर्ण परमात्मा, ये सर्वव्यापक वासुदेव है जो अपने ब्रह्मांडों में भी व्यापक, परब्रह्म के ब्रह्मांडों में व्यापक और ज्योत निरंजन के ब्रह्मांडों में भी व्यापक, ये वासुदेव है। अब जैसे प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति सारे प्रांतों में भी व्यापक और प्रत्येक प्रांत के प्रत्येक मंत्री के विभाग में भी व्यापक, अर्थात वो कण कण में व्यापक है, उसकी सत्ता, उसकी खौफ, उसका डर, उसका भय, वो निराकार रूप में उसकी शक्ति सब में व्यापक है और वो आकार में अपने स्थान पर, ऐसे ही हर भगवान की स्थिति है। सब प्रभु आकार में है, विष्णु, श्री ब्रह्मा, श्री शिव और ब्रह्म, परब्रह्म और ये पूर्ण ब्रह्म सब मनुष्य जैसे हैं, लेकिन उन तक इनकी पहुंच ना हुई, प्राप्ति नहीं हो पाई, इसलिए वर्तमान के ऋषियों ने, इन ऋषि लोगों ने अपनी सोच से उनको निराकार कहके अपनी थ्योरी के न्यारे शास्त्र बना दिए जिनको उपनिषद कहा जाता है। हमने इन वेदों को फिर देखना है, उपनिषद क्या है, वो तो एक व्यक्ति विशेष का अपना अनुभव है, और वो जहां तक इन पवित्र शास्त्रों से मिलता है तो ठीक है, इनसे नहीं मिलता है तो वो सत्य नहीं है, पूरा नहीं है, हमारे शास्त्रों को हमने फिर देखना। अब इसमें क्या आया कि वासुदेव सर्वमिति सर्वमात्मा सो दुर्लभ है, ओए क्या बताते हैं, करोड़ों में कोई है नहीं रे झूम करा, अरबों में कोई गर्क सुन रे झूम करा। एक पंजाब से एक पुण्य आत्मा, कबीर परमेश्वर की प्यारी आत्मा गरीबदास को, जब कबीर साहब ने गरीबदास जी को, जो हरियाणा में गरीबदास जी हुए छुडानी गांव में, उनको सचखंड सतलोक पूर्ण परमात्मा स्वयं ही आकर के, कबीर साहब स्वयं आए थे और सतलोक लेकर गए थे, फिर सारी स्थिति सब ब्रह्मांडों की, इस सारे ब्रह्मांडों की रचना और सब कहाँ का क्या क्या हो रहा है, ब्रह्मा विष्णु महेश की क्या स्थिति है, ये सब दिखा करके वापस छोड़ दिया था, जबकि गरीबदास जी के शरीर को मृत समझ कर इनको जलाने की तैयारी कर दी गई थी, उस समय चेता के ऊपर इनको वापस आया था,
आत्मा वापस आई थी। उसके बाद गरीबदास जी ने उस परम पिता पूर्ण ब्रह्म सतपुरुष सचखंड के रहने वाले मालिक कबीर साहिब की महिमा बताई कि हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, ये जात जो ला भेद नहीं पाया वो काशी माए कबीर होया। तो गरीबदास के पास एक पंजाब से राम राय नाम के, क्योंकि उस समय तक ये सिंह नाम ज्यादा नहीं पड़े थे, कोई राम राय कोई कृपा राम को धन्ना इस तरह के नाम सिखों के पूर्वजों के हुआ करते थे। तो राम राय जी आए, उनको ऐसे सुना था कि छुड़ानी में एक बहुत बड़े महापुरुष रहते हैं, तो वहां जाकर उनको ज्ञान सुना। जिस परमेश्वर ने यह सच्चाई बताई तो वो राम राय उर्फ जुम्मकरा, जैसे गांव में एक नया नाम निकाल लिया करें एक वास्तविक नाम से अन्य, राम राय उर्फ जुम्मकरा भी से कहते थे, वास्तविक नाम उसका राम राय था। तब उस राम राय ने अर्थात जुम्मकरा ने कहा, परमात्मा ये ज्ञान अब तक कहाँ छुपा था, किसी ने क्यों नहीं बताया हमारे तय, ये हमारा कैसे दुर्भाग्य रहा। तब क्या बताया उस परमात्मा को आंखों देखने के बाद गरीबदास जी की प्यारी आत्मा गरीबदास जी ने कि क्या बता कि तत्व भेद कोई ना कह रहे झूमकरा, ये पैसे ऊपर नाच सुनो रह झूमकरा। तत्व भेद कोई नहीं जानता, इन्हें तो अपनी रोजी रोटी का धंधा बना रखा है भाई, ये नहीं जानते भगवान के बारे में, सबको गुमराह किए बैठे हैं संत जन, आप भी धोखे मरिए आपको भी गुमराह कर रही है। और कहा भगवान फिर हमने तो बहुत संत देखे हैं, बहुत संतों के पास गए, उनके पास यही व्याख्याएं मिलती जुलती मिली है, ये जो रास्ता आप बता रहे हो ये तो प्रभु हमने कभी नहीं सुना। तब क्या बताया कि करोड़ों में कोई है नहीं रह झूमकरा, कोई अरबों में कोई गर्क सुनो रह झूमकरा। इस संत ने बता, इस मार्ग को बताने वाला संत अरब संतों में पाओगा, तेना अरबों में करोड़ों में भी नहीं पाओ भाई। ओए होए, अब संत माने मार्गदर्शक भक्ति बताने वाले, उनको हम संत, वैसे संत की परिभाषा जब समझोगे जब तब बहुत दूर बात है संत के तहत, लेकिन हमने इनको सबको संत ही गुरु मान रखा है। कैसे, जैसे एक गांव में अगर 10,000 की आबादी है तो 5,000 गुरु पाओगे, पक्की बात समझ लेना। क्यों, कोई नई लड़की आवेगी ब्याही, उसका लड़का होगा बालक होगा, तो पहले तो अपनी सास ने पूछेगी अब के करना इसका, वह बताओगी बार लीगा दर दे बेटी, फिर पड़ोसी ना आवेगी वह बताओगी इसका भीतर लीगा दर दे बेबे, तीसरी आवेगी वह नोकेगी चौराहे वाली की बोल दे 25 रुपये तेरा बेटा सुखी रहेगा, फिर आओगी नोके थरगुड़गा में आड़ी की मान है उसकी पूछ दे पांचवी वहां आओगी। यानी 5-10 हजार की आबादी में 5,000 गुरु है। और फिर ये राम कृष्ण ब्रह्मा विष्णु महेश्वर ब्रह्मा हनुमान जी की पूजा बताने वाले की भी गिनती को न, तो सारे संसार में नौके अरब संतों में इन मार्गदर्शकों में तना कोई पाओगा भाई, ये आम नहीं है। ऐसे गीता प्रमाण दे रही, बहुनाम जन्मानाम अंते ज्ञानवान माम पर बदते, और वासुदेव सर्वमिति सह महात्मा सुदुर्लभ है, सो दुर्लभ मन मुश्किल से मिलने वाला है वो संत जो तत्वदर्शी है, ये बताने वाला कि ये परमात्मा इनसे कोई और है। जैसे गीता जी के 15वें अध्याय के 16 और 17 श्लोक को फिर देखो कि ये समझा देगा ना, वो वास्तव में पूर्ण परमात्मा पूजा के योग्य तो इनसे भी भिन्न है, वो अलग है, वो तो नौका भाई बड़ी मुश्किल से मिलेगा तुझे। ये पवित्र गीता जी गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, अध्याय नंबर 15 का और श्लोक नंबर फिर 16 और 17 देखियो, वो उत्तम पुरुष वो पुरुषोत्तम वासुदेव कौन है। 16वें श्लोक में है कि द्वौ माने दो, इमौ माने इन, दो में कौन कौन से में, लोके माने दो लोकों में कौन कौन से में, ये क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष, पुरुषौ ये पुरुषौ शब्द दो स्थान पर लगता है, ये दो का बोध कराता है पुरुषौ, ये संस्कृत का नियम होता द्वौ पुरुषौ, अक्षर पुरुष और पर अक्षर क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष, क्षर पुरुष ये नाशवान ब्रह्म, अक्षर पुरुष ये पर ब्रह्म। और इसी प्रकार दो सती थी इन दोनों के लोकों में, जीवात्मा तो अविनाशी है और शरीर सथूल शरीर इन सभी प्राणियों का, चाहे देव है चाहे कोई दिमा देव है चाहे ब्रह्मा है चाहे विष्णु चाहे शिव चाहे राजा और रंक चीटी और आची, इन सब के सथूल शरीर तो नाशवान है और ये आत्मा इनकी अविनाशी है दोनों के स्थान। और तीसरा परमात्मा इन दोनों से न्यारा है, जिसमें
रहने वाले प्राणियों का शरीर भी अजर अमर और वो परमात्मा भी अजर अमर है। वो तो परमात्मा इन दोनों से न्यारा है। अब देखो 16वां श्लोक की हिंदी देखिए इन महापुरुषों की। इस महापुरुष ने ये यहां जहां तक इनकी बुद्धि काम करती रही, ज्ञान था बहुत अच्छा, सोल्यूशन करने की चेष्टा की, और जहां इनकी बुद्धि में वो सत्ज्ञान नहीं आया तो इनको इन्होंने गोलमोल कर दिया। इस संसार में नाशवान और विनाशी है, नाशवान और विनाशी भी दो प्रकार के पुरुष हैं। दो प्रकार के पुरुष माने पर पुरुष लिख दिया इन्होंने, भगवान लिखना था, दो प्रकार के भगवान है। ये इसी प्रकार इनके दोनों के लोकों में संपूर्ण प्राणियों के शरीर नाशवान और जीवात्मा विनाशी कहा जाता है। और 17वें में कमाल कर दिया कि वास्तव में पुरुषोत्तम वो वासुदेव भगवान सर्वव्यापक प्रभु यानी सही पूर्ण पूर्ण परमात्मा तो इन दोनों से भी न्यारा है। उत्तम पुरुष है तू अन्य, उत्तम पुरुष है अन्य परमात्मा इति उदाहरते है, जिसको भगवान कहा जाता है वो तो और है, इन दोनों से भी न्यारा है। और ये लोक तर्मे अविश्य विभर्ति अव ईश्वर जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता वो अविनाशी भगवान है। देखो नीचे सरलार्थ देखिएगा, उत्तम पुरुष तो अन्य ही यानी सही भगवान वास्तव में परमेश्वर पुरुषोत्तम वासुदेव तो कोई और ही है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है अविनाशी परमेश्वर परमात्मा इस प्रकार कहा गया है। अब यहां आपको क्या करेंगे ये अनजान लोग, नो कहेंगे देख 18वें श्लोक में भगवान कहता है मैं पुरुषोत्तम हूं। अब देखो 18वें श्लोक में 15वें अध्याय के 18वें श्लोक में क्या कहता है ये काल कि मैं तो क्षर पुरुष नाशवान हूं। इसको पहले देखिए अध्याय नंबर 4 का और श्लोक नंबर 5, तब आपके याद जचेगी या दास की कथा जो आपको बताना चाहता है। अध्याय नंबर 4 का श्लोक नंबर ये 5 है। हे परंतम अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको तू नहीं जानता मैं जानता हूं, अर्थात गीता बोलने वाला भगवान तो नाशवान है, ये अजरो अमर अविनाशी है ही नहीं। इसके भी मृत्यु जन्म और इनके उपासक के भी जन्म और मृत्यु होते रहते हैं। इसलिए क्या लिखा है कि जिन्होंने वेदों को पढ़ा और वेदों के अनुसार इन्होंने मुझे मालिक मान लिया, पुरुषोत्तम मान लिया, क्योंकि मैं मेरे अंतर्गत जो 21 ब्रह्मांड में जितने भी प्राणी चाहे वो सथूल शरीर में है चाहे जीवात्मा रूप में, उनसे तगड़ा हूं मैं। अब मुख्यमंत्री अपने नीचे के सभी अधिकारियों से आम व्यक्ति से और मंत्रियों से तगड़ा है, लेकिन वो सर्वव्यापक नहीं है, वो पूर्ण नहीं है, फिर भी ऐसा कहना चाहे कि लोक वेद होता सुना सुनाया ज्ञान जो शास्त्र में प्रमाणित ना हो और किसी व्यक्ति विशेष की अपनी सोच से जो क्षेत्र कुछ एरिया उस पर आधारित हो उसको लोक वेद कहते हैं। क्या बताता है ये गीता बोलने वाला भगवान, यही गीता जी के अध्याय नंबर 15 का और श्लोक नंबर ये देखो इधर 17 आपने पहले सुन लिया, क्योंकि मैं नाशवान जड़वृक्ष अक्षेत्र से अतीत हूं, इनसे तगड़ा हूं जो मेरे अंतर्गत आते हैं, और अविनाशी जीव आत्मा से भी उत्तम हूं, इनसे तो उत्तम हूं मैं, मेरे अंतर्गत जितने प्राणी आते हैं, इसलिए मुझे इस लोक वेद के आधार पर लोक वेद के आधार पर मुझे मैं पुरुषोत्तम से पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूं, लेकिन मैं पुरुषोत्तम नहीं हूं, मुझे तो लोक वेद के आधार पर सुने सुनाए ज्ञान के आधार पर, क्योंकि मैं इन तो तगड़ा हूं जो मेरे अंतर्गत आते 21 ब्रह्मांड में, इसलिए मुझे पुरुषोत्तम कह प्रसिद्ध हो रहा हूं, पर मैं पुरुषोत्तम नहीं हूं, वो पुरुषोत्तम तो कोई और है, वो वासुदेव तो कोई और। अब ये सिद्ध हो गया। अब आगे देखो 20, 21, 22 और 23। अब जो भक्त आत्मा प्यारी आत्मा पहले दिन आता है तो इन सोचेगा इस महाराज जी का जो अपने लिए ठीक है ना जो गीता जी के श्लोक वो सेट कर रखे हैं और आगे बाकी ना सुनाता जहां इसके जो ना सेट नहीं होंगे इसके ज्ञान के आधार पर, ऐसा नहीं। इस भ्रम को निवारण करने के लिए ये थोड़ा सा और आपको सुनाऊंगा। अब 7वें अध्याय का 19वां श्लोक सुन लिया और 20, 21, 22 इसका लिंक कहां से है, 12, 13, 14, 15 15 तक क्या कहा भगवान ने कि इन तीनों गुणों तक की पूजा अन्य देवताओं की पूजा मूर्ख लोग करें। 15वें श्लोक में 7वें अध्याय के में क्या कहा है कि इस
तीनों गुणों तक की पूजा, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिवजी, यहाँ तक की पूजा ये मूर्ख लोग करते हैं, नादान राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए। अब इससे लिंक आगे 20वें श्लोक का होगा, अपनी महिमा बताकर फिर उनको फिर दोबारा लताड़ता है परमात्मा कि ये अन्य देवताओं की पूजा करने वाले नादान मूर्ख, इनको क्या लाभ होगा। ये देखिए अध्याय नंबर 7 का और श्लोक नंबर यहां देखो, इधर 15-14 देखो पहले। क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमय मेरी माया रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिवजी के द्वारा फैलाई गई ये रचना का जाल, ये त्रिगुणमय माया जो इनसे होने वाली, इनकी पूजा से होने वाला लाभ है, ये कहते हैं ये बड़ी खतरनाक है, दुष्टर है। और जो व्यक्ति, जो साधक मुझको भजता है, यानी ब्रह्मा विष्णु महेश और अन्य देवताओं को छोड़कर जो मुझको भजता है, इनसे अच्छा लाभ मुझसे मिलता है, इनसे ऊपर उठ जाता है, इनका उल्लंघन कर जाता है। जैसे मुख्यमंत्री कहे कि तुम आन दूसरे अधिकारियों या इन मंत्रियों के पास जाते हो, मेरे पास आ जाओ, इनसे अच्छा तो मैं लाभ दे दूंगा। लेकिन कुछ ऐसे काम हैं जो इस मुख्यमंत्री के बस के भी कोई ना, वो कहेगा ये प्रधानमंत्री करेगा, भाई मेरी पावर से बाहर है। तो यहां बताया है कि मुझे नहीं बचते, जो मुझे बचते हैं तो इन माया का यानी ब्रह्मा विष्णु महेश से अच्छी लाभ मुझसे प्राप्त करते हैं। आगे देखो 15वें में लिखा है कि माया के द्वारा यानी तीनों भगवानों के द्वारा क्षणिक सुख, इनकी भक्ति से क्षणिक लाभ प्राप्त करके ये प्राणी इन्हीं पाश्रित हो गए नादान, और इसलिए इनको भक्ति तो बनी नहीं पर ये राक्षस बन गए। ओए होए, माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, राक्षस स्वभाव असुर स्वभाव को धारण किए हुए, राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच, ओए होए, और दुष्कर्तिन माने भक्ति के बुरे कर्म करने वाले, दूषित कर्म करने वाले मूर्ख लोग, मुझे नहीं बजते, माम ने प्रपदंते, मुझको नहीं बजते अर्जुन, मुझको नहीं बजते यानी मेरी पूजा नहीं करते, ये तीन नीचे के देवताओं की ब्रह्मा विष्णु महेश और इनके नीचे की भक्ति करते, ये मूर्ख लोग राक्षस स्वभाव को धारण किए। अब इससे लिंक आगे है कहां का, इससे आगे लिंक है 20वें श्लोक तक। अब इससे पहले कल भी आपको उदाहरण दिया था, आज फिर बताता हूं कि जैसे भगवान शिव की पूजा की थी रावण ने, और उस तमोगुण की इतनी पूजा की थी शिव की कि अपने यहां से गर्दन काट कर, गर्दन नहीं दोनों हाथ भी काट कर और समर्पण कर दिया था, क्योंकि उस रावण जैसी सैक्रिफाइस आत्मा ने, उस डिवटी आत्मा ने संत ठीक ना मिला, गुरु ठीक ना मिला, और उसने जैसे गुरु ने आदेश दिया बेटा ये शिव ही पूर्ण परमात्मा है, इसकी तो भक्ति कर ले, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय करके, और उसने इतनी भक्ति कर ली जो आज के शिव के उपासक तो 70 जन्म नहीं कर सकते, और उसने अपना सिर भी चढ़ा दिया भगवान के चरण। उसका जितना वर्क डन, जो सेक्रीफाइस किया, उतना फल भगवान शिव ने दे दिया, सोने की लंका दे दी, बैठा ठम ठाठ कर दिए, और फिर इनकी पूजा से बुद्धि भ्रष्ट हो बना रहे को नहीं, अपनी ही माता का अपहरण कर लिया, सीता ने उठा लिया, और सब ने समझाया मानना नहीं मूर्ख, और इससे बुरा कर्म और के करेगा जो भक्त शास्त्र विरुद्ध साधना की उसने। तो ऐसे ही राक्षस स्वभाव को धारण किया इसने, ये तमोगुण की उपासना से राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच, दूषित कर्म करने वाले मूर्ख लोग ब्रह्म साधना भी ना करते, मेरी भक्ति भी ना करते। ऐसे ही हिरण्यकशिपु ने ब्रह्मा की रजोगुण की पूजा करके सिद्धि शक्ति लेकर राक्षस कहलाया, कुत्ते आली मौत मरिया, ऐसे रावण कुत्ते आली मौत मरिया और गधा बनिया। अब क्या बताते ये नादान संत, नो कहे रावण को पता था राम के हाथों मेरे कम स्वर्ग जाऊंगा, इसे नीच आत्मा ने, और स्वर्ग की कहां स्थान गधे को जिसने इसे जुलम किए, 100 झोटे मांस खाया करता, 100 मटके दारू के पिया करता, एक दिन में कसाई बताओ, क्योंकि शास्त्र साधना ठीक ना होने थे ये जीव जो है बेचारे अपना पथ भ्रष्ट होकर बुरे हो गए, नहीं तो आत्मा बुरी नहीं, जय नरा ठीक मिल जाता है। तो अब मार्ग जब ठीक मिल जाए, आप देख लेना जब सारे संसार में फिर सतयुग ना हो जाता है, क्योंकि उस परमात्मा से हमारा लिंक हो जाएगा, जो हमें धन दे, भाग से ज्यादा भी दे, हमारे पाप कर्म काट दे, फिर हमने ना लूटने की जरूरत पड़े, ना किसी ने ठगने की आवश्यकता पड़े, ना बुद्धि हमारी खराब हो, हमारे सारे काम सरे, और हमें ज्ञान हो जाए कि ज्यादा नहीं चाहिए, केवल इतना चाहिए जिसने काम चल जा, ये सब छोड़ कर जाना है। बच्चे हैं अपने, वो अपने भाग पाओगे, उनसे ज्यादा नहीं मिलेगा चाहे हम कितने प्रयत्न कर लें। ये संविधान भूल रहे हम, इसलिए ज्यादा पाप भी कर जाते हैं जिसका हमने फिर भोग भोगना पड़ता है। अब ऐसे ही विश्वामित्र ने भगवान विष्णु की साधना करके
और अच्छा दाव मैं तो पाया और अपने साथी वशिष्ठ मुनि के 100 पुत्रों की बालका की नो कसाई की तरह हत्या कर दी 100 बच्चों की। तो ये तीनों गुणों के उपासक कहते राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी के उपासक को गीता बता रही है, दास नहीं बता रहा। अगर इसमें कोई गलत हो तो फिर चेक करने संतजन प्रार्थना करता हूं, और दास से कोई गलती हो जाए या कोई गलत टिप्पणी होगी हो तो मैं हाथ जोड़ कर क्षमा याचना करूंगा और अभी सुधार लूंगा अपनी को, और ताकि मेरे द्वारा दिए गए मार्ग से कोई आगे आने वाले समय में ये भोली आत्मा फिर भ्रमित ना हो जाए, मैं दोषी ना हो जाऊं, क्योंकि हमने शास्त्र आधार से बात करनी है कोई करेगा तो, और शास्त्र से अलग कोई अपनी टिप्पणी बताएगा हमें स्वीकार्य नहीं है, उसे कोई बात नहीं होगी। तो कहने का भाव ये है मेरा कि अब क्या बताया है कि इनसे अच्छी तो मेरी भक्ति इनसे मेरी ना करते, और मेरी भी घटिया अपनी भी गलत बताई भगवान ने, क्योंकि चुणुक जैसे ऋषि ने समर्पण कर दिया ओम नाम के जाप करके, दुर्वासा जैसे ऋषि ने ओम नाम का जाप करके ब्रह्म साधना करके सिद्धियां पा ली, भगवान ना पाया, क्योंकि वेदों में वर्णित विधि से प्रभु प्राप्ति नहीं है। ये गीता जी के अध्याय नंबर 11 का श्लोक नंबर 48 प्रत्यक्ष प्रमाण देता है, ये भी आपको बता दूं। अध्याय नंबर 11 का श्लोक नंबर 46, 47, 48, और इससे पहले आपको 32 नंबर श्लोक सुनाकर फिर आगे चलेंगे। ये देखिए वही पवित्र गीता जी। अब इस पवित्र शास्त्र को समझने के लिए हमने थोड़ा सा तो धैर्य चाहिए, और फिर आप देखिएगा कितना निर्मल ज्ञान आपके हृदय में समा होगा। अध्याय नंबर 11 का श्लोक नंबर 32 देखो, इसमें गीता बोलने वाला भगवान कहता है मैं काल हूं। 32 में लिखा है कि लोगों का नाश करने वाला बड़ा हुआ महाकाल, ये काल है, काल काल माने काल हूं, अस्मि मानो इस समय इन लोगों को नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूं, इसलिए जो प्रतिपक्ष की सेना में सचित योद्धा लोग हैं वो तेरे बिना, यानी तू ना लड़ेगा तो भी मार दूंगा इनको, तो युद्ध नहीं करेगा तेरे, ये वे सब तेरे बिना भी नहीं रहेंगे, अर्थात तेरे युद्ध करने न करने से भी इन सब का नाश हो जाएगा। अब आगे ये कहना मैं काल हूं, ब्रह्म ये काल है, और देखो 46वें श्लोक में ये ब्रह्म जो है ये हजार भुजा का भगवान है, और ब्रह्मा विष्णु महेश केवल 4 भुजा के भगवान है, और इनकी माँ दुर्गा ये 8 भुजा की है। अब सुनो प्रेमते, ये अध्याय नंबर 11 का श्लोक नंबर 46 में अर्जुन आंखों देखा बता रहा है कि मैं वैसे ही आपको मुकुट धारण किए हुए तथा गदा और चक्र हाथ में लिए हुए देखना चाहता हूं, इसलिए हे विश्वरूप, हे विश्वरूप, हे विराट रूप, सहसर बाहो, सहसर बाहो का अर्थ होता हजार भुजा के भगवान, सहसर हजार, इन्होंने हजार नहीं लिखा, ये गोलमोल कर गए, सहसर ही लिख दिया, हजार भुजा के भगवान आप उसी चतुर्भुज रूप में आइए, क्योंकि अर्जुन उसको श्री कृष्ण और उर्फ विष्णु समझ रहा था, और वो कह मैं विष्णु नहीं, मैं तो काल हूं, मैं तो ये 1000 भुजा का भगवान है, ब्रह्मा विष्णु महेश 4 भुजा के भगवान है। अब 47 में देखो, हे अर्जुन अनुग्रह पूर्वक मैंने अपनी योग शक्ति के प्रभाव से ये मेरा परम तेजो में सबका आदि सीमा रहित विराट रूप तुझको दिखलाया है, जिसे तेरे अतिरिक्त दूसरे किसी ने पहले नहीं देखा था। 48 में देखो क्या लिखा है, हे अर्जुन ये है मेरा वास्तविक रूप, ब्रह्म का रूप ये है, काल है ये, और वेदों में केवल ब्रह्म तक की साधना है। क्या बताता है कि मेरी वेदों में वर्णित विधि से मेरी प्राप्ति नहीं हो सकती, मेरे दर्शन नहीं हो सकते, भगवान नहीं मिले। क्या बताया कि हे अर्जुन मनुष्य लोक में इस प्रकार विश्व रूप वाला मैं एमएम रूप यानी ये रूप मेरा न तो वेदों में वेद यज्ञ अध्ययन ना तो वेदों में वर्णित विधि से वेद यज्ञ अध्ययन ना तो वेदों में वर्णित विधि से ना यज्ञ से ना तप से ना जप से ना किसी क्रिया से मुझे कोई प्राप्त नहीं कर सकता, अर्थात वेदों में वर्णित विधि से प्रभु तो मिलता नहीं लेकिन स्वर्ग महास्वर्ग सिद्धियां 84 लाख योनियां फिर गदा ये तो जरूर मिल जाती है। ये देखो इस प्रकार विश्व रूप वाला मैं वेदों में और यज्ञों के अध्ययन से न दान से, फिर देखो हे अर्जुन मनुष्य लोक में इस प्रकार विश्व रूप वाला मैं
न वेदों और यज्ञों के अध्ययन से, न दान से, न क्रियाओं से और न उग्र तपों से तेरे अतिरिक्त किसे दूसरे द्वारा देखा जा सकता हूँ। आगे भी नहीं देखा जा सकता और पहले भी नहीं देखा था। और कृष्ण जी तो उनके साथ खड़े थे, अर्जुन रोज देखा करता। अगर श्री कृष्ण बोल रहे होते तो ये काल बोल रहा है, ये ब्रह्म बोल रहा है। और ये ब्रह्म कहता है कि मेरी पूजा अगर तूने करनी है अर्जुन, ये आठवें अध्याय के तेरहवें श्लोक में, वो तो केवल ओम नाम है और कोई अक्षर नहीं नाम जाप करने का। अब देखो आठवें अध्याय का तेरहवां श्लोक, यही पवित्र गीता जी, ये नीचे ही तेरहवां श्लोक है। ये तेरहवां श्लोक, ये संधि छेद अच्छी तरह लिखा इस महात्मा ने। आप ध्यान से देखो, ओम इति एकाक्षरम, ओम केवल ये एक अक्षर, ब्रह्म माम, माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का व्यवहारण माने उच्चारण करके, अनुसमरण माने स्मरण करने का। मेरा तो ओम नाम है और कोई अक्षर नहीं, एक अक्षर ओम है मेरे जाप करने का, मुझ ब्रह्म का, माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का, मुझ काल का, और कोई अक्षर ही नहीं है। ये विष्णु का सहस्रनामा, श्री शिव जी का सहस्रनामा कहते, ये कोई मंत्र नहीं है, ये तो मनमाना आचरण अपने बनाए हुए घड़े हुए ऋषियों के से ये बनाए हुए मंत्र हैं, ये नहीं है। ओम नमः शिवाय, ओम भगवते वासुदेव नमः, और ये जो राधे राधे श्याम मिला दे राधे, हरे कृष्ण हरे राम कहते, ये कोई जाप नहीं है। केवल ओम नाम से प्रभु की भक्ति प्रारंभ होती है इस ब्रह्म की। अब देखो क्या कहते हैं, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म, माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का व्याहरण मन उच्चारण करके, अनुस्मरण स्मरण करने का। और ये कैसे करना है, ये प्रयाति तजंत देहम, आखिरी सांस तक जपते रहना होगा। तजंत देहम, तजन देहम, देह छोड़ने तक, अंतिम सांस तक। और ये याति परमाम गति, जो ऐसे करता रहेगा तो मेरे वाली परम गति को प्राप्त होगा, मेरे वाली यानी ब्रह्म लोक में पहुंच जाएगा। लेकिन मेरी परम गति भी घटिया तो घटिया है, वह पूरी को ना, ये भी स्पष्ट कर दिया, वो भी पूर्ण नहीं है। लेकिन मेरी जो परम गति, मेरे से अंतिम लाभ लेने वाले ने इस ओम नाम के जाप को अंतिम सांस तक जपना होगा। ये प्रयाति तजन देहम सह माने वह याति परमाम गति, वह मेरी परम गति को प्राप्त होता। और मेरी परम गति घटिया, सातवें अध्याय का अठारहवां श्लोक स्पष्ट कर दिया अभी आपके सामने, क्योंकि इससे लिंक हो जाता है एक दूसरे का। और इसे आप देखिए, फिर हम इसी सातवें अध्याय में आते हैं। ये सातवें अध्याय का श्लोक नंबर 18 में फिर भगवान खुद ये ब्रह्म कहता है कि उदारा सर्वे एवं एते ज्ञानी तू आत्मा एवं मे मतम। ये मेरे विचार में ये उदार आत्मा जिन्होंने वेदों को जैसा समझा उसके आधार पर ये लग गए मुझे पूर्ण परमात्मा मान के ओम नाम के जापते हैं, ये है तो बेचारी प्यारी आत्मा, नेक आत्मा, उदार है, प्रभु पाने के लिए समर्पण है। लेकिन आश्रित सही, वो आश्रित रही वो प्यारी आत्मा, युक्त आत्मा, लीन आत्मा, माम माने मेरे में, मेरी अनुतमा माने घटिया तो घटिया, गति माने उस परम गति मुड़ जरे। और मेरी परम गति वो है जो ओम नाम का जाप अंतिम सांस तक करता रहे। इससे इसका सीधा लिंक बनाए। अब आगे देखो, अब हम 19वां आपको सुना चुके हैं इसी सातवें अध्याय का। अब 20 देखो, 15वें से लिंक अब 20 का हो गया। क्या है, उन भोगों की कामना द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, जिस देव से जितना लाभ होता है वो वहीं तक, जिनकी बुद्धि रुकी हुई है और उन्हीं से सीमित हैं, तो उन अपने स्वभाव से प्रेरित होकर उस नियम को धारण किए करके अन्य देवताओं, अन्य देवता पर पदंते, दूसरे भगवानों की, दूसरे देवताओं की पूजा करते हैं। ब्रह्म तो नीचे, ब्रह्मा विष्णु महेश आन देवता माते हैं। और पूर्ण परमात्मा की भक्ति करेंगे तो ब्रह्म पर ब्रह्म भी आन देवता मा जाते, अन्य देवता मा जाते पर पूजते हैं। नीचे देखो, अब 21वें श्लोक में, जो जो सकाम भक्त जिस जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहता है, उस भक्त की श्रद्धा को मैं उसी देवता के प्रति स्थिर करता हूं। अब जैसे मुख्यमंत्री कहे कि मेरे पास नहीं आता तो तू किसी थानेदार ते सचो तो मेल करें बैठा है, तो अक्षणिक लाभ है भाई वो। और उसको मैंने थोड़ी सी सहायता दे रखी, राहत जिसके शक्ति दे रखी है, जिससे वो अक्षणिक लाभ तुझे दे रहा, पर वो पूर्ण लाभ तुझे नहीं दे सकता। ये भाव है भगवान का कहने का। आगे देखो,
उसके उसी में आश्रित करता हूँ। अग्ना मानता था पर कुएं में पड़कर मर ले, ना मानता था पूज ले उन देवताओं ने। मतलब भाव ये है भगवान का कहने का। आगे देखो 22वां, वह व्यक्ति उस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता को पूजन करता है और उस देवता से मेरे द्वारा ही विधान किए हुए, यानी मुख्यमंत्री कहता मैंने इन मंत्री मंत्रियों को नीचे के अधिकारियों को छोटी मोटी शक्ति दे रखी है और उसी से छोटा मोटा लाभ तुम्हें मिल रहा है, ये पूर्ण लाभ नहीं है, निसंदेह प्राप्त करता। आगे देखो 23 में मैं कमाल कर दिया, 23 में मैं कमाल कर दिया, सारा रिजेक्ट कर दिया। क्या बताया कि परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का, ओए होए कहते बुद्धि इनों का वो अक्षीणिक सुख है और देवताओं को पूजते भी हैं, जिसकी जिसकी बुद्धि जहां डट रही है रुक रही है वहां आश्रित होए बैठे हैं, उन अल्प बुद्धि वालों का वह फल नाशवान है और अन्य देवताओं के पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं और मेरे भक्त मुझको ही प्राप्त होते हैं। ये तो सीधा ही है, ब्रह्म साधना करेगा ब्रह्म को प्राप्त होगा, उस परमात्मा की भक्ति करेगा उसको प्राप्त होगा। दो भगवानों का गीता जी में सीधा लिंक है। अब देखो 24 में मैं क्या कहा और 25 में मैं क्या कहा, इसी के साथ में अध्याय चल रहा गीता जी का। अब इसको क्योंकि उस ब्रह्म को निवारण करने के लिए कहीं ये ना सोचे कि महाराज जी का जो अपने समझ माओ है ना उन श्लोकों को सिलेक्ट किया हुआ है, बाकी गीता छोड़ दी, ऐसा नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि एक दिन के सत्संग में सारा ज्ञान नहीं दिया जा सकता। अब देखिएगा अध्याय नंबर 7 का और श्लोक नंबर 23 सुन लिया आपने, ये 24 सुनो। बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुतमम अनुतम अविनाशी परम भाव को नहीं जानते, क्या नहीं जानते कि मैं कभी किसी के सामने जैसा मैं हूं, मैं काल हूं ऐसा हूं अर्जुन, मैं कभी ऐसा नहीं दर्शन देता, चाहे को तप करो चाहे जप करो, मैं गुप्त रहता हूं और हूं ऐसा ही। क्या परम भाव को मेरे अनुतम मन घटिया अविनाशी भाव को नहीं जानते कि मैं अव्यक्तम, अव्यक्त माने निराकार, लोग तो मुझे निराकार मन, अव्यक्त का अर्थ होता जो ज्यों का त्यों ना दिखे, है तो वह मनुष्य पर दिखाई ना दे कभी भी किसी साधना, तो उसको अव्यक्त कहते हैं। मुझ अव्यक्त माने मुझे मन इंद्रियों से प्रेम, मुझ सचिदानंद घन परमात्मा को मनुष्य की भांति जन्म कर, ये मुझे कृष्ण मान रहे होंगे, मैं कृष्ण नहीं हूं। इसका सीधा अर्थ ये बनता है कि मुझ अव्यक्तम अव्यक्तम माम व्यक्ति मापनम मनन्ते, संस्कृत देख लो सीधी बतावे, मुझे मैं कभी किसी के सामने व्यक्तिगत रूप में नहीं आता, इसलिए मुझे अव्यक्त कहते हैं। और माम अव्यक्त को ये व्यक्ति मन व्यक्ति भाव में यानी कृष्ण मान रहे होंगे, मैं कृष्ण नहीं हूं, सीधी सी बात है। आगे देखो क्यों नहीं हो, 25वां बतावे, अपनी योग माया से छिपा हुआ हूं, हूं तो मैं मानुष जैसा हूं लेकिन अपनी शक्ति तो मैं छुपा रहता हूं, किसी का सामने ना आता, आज आया हूं तेरे सामने, मैं अपनी योग माया से छिपा हुआ, मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता, मैं हूं तो नौका नहीं पर मैं सब ने दिखाई नहीं देता, ये तो तेरे ताई आज मौज करी मैंने आप मेर करके दिखाया अपना वास्तविक रूप। यह अज्ञानी जन समुदाय, ये जो सामने लोग और आने वाले जो गीता को समझने वाले अज्ञानी जन समुदाय, मुझ अजम अवम मुझ अविनाशी जन्म रहित अविनाशी परमेश्वर को नहीं जानता, मुझे नहीं जानते, इसलिए मुझे कृष्ण रूप में मानेंगे, क्योंकि ये मेरे बारे में जानकार नहीं है कि मैं कभी किसी के सामने एज इट इज नहीं आता, चाहे वो तप करो चाहे जप करो चाहे कुछ भी करो। अब इसी का हम आगे इसमें आगे तो ये छोटी मोटी वैसे ही तुलनात्मक सी बातें हैं, यहां देखिए अब 29वां श्लोक लेते हैं हम। 29वें श्लोक में क्या लिखा है कि जिसने अर्जुन ये नो पता लग गया कि मैं तो काल हूं और मेरी पूजा से जन्म मृत्यु नहीं मिट सकती, जन्म कर्म दंड नहीं कटे, और भाई और फिर जिसने वो पूर्ण संत मिल गया, जिसको सारा तत्व भेद हो गया, सब आध्यात्मिक ज्ञान से वो परिचित हो गया, वो फिर या मेरे लोक की कोई इच्छा नहीं करेगा, वो तो जन्म मृत्यु से छूटने के लिए प्रयत्न करेगा। इसका सीधा अर्थ है क्या है, 29 में कहा कि जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित है यतन्ति, ये मेरे इस ज्ञान पर आश्रित होकर जो जन्म मरण के लिए मोक्ष के लिए ही प्रयत्न करते हैं वे कौन हैं, उन्होंने उस परमात्मा को समझ लिया जान लिया और सारे अध्यात्मिक को समझ लिया, वो ही यहां से जन्म मृत्यु से छूटने का प्रयत्न करते हैं। बिल्कुल स्पष्ट कर दिया, ते माने वे ब्रह्म तत् तत् ब्रह्म उस परमात्मा को विदु माने और जानते हैं,
कृत्स्नम माने सारे, अध्यात्म माने सारे इस भक्ति मार्ग को समझ चुके हैं और वही सब कर्मों से परिचित हो गए। वो फिर यहाँ का कोई साधना ना देवी की ना देव की ना मेरी ना परब्रह्म की, वो तो पूर्ण परमात्मा की भक्ति करते हैं जो उसको समझ चुके। अब 29 में कहा कि तत्व ये देखना, या हिंदी देखो, जो मेरे शरण होकर आश्रित, माने मैं जो तुम्हें ज्ञान दे रहा हूं इस पर जो आश्रित हो गए, इसने सत समझ लिया जिसने, और वो संत ढूंढ लिया जो परम तत्वदर्शी संत है, आश्रित होकर जरा और मृत्यु के छूटने, मोक्ष माने मोक्ष मुक्ति के लिए प्रयत्न करते हैं वे पुरुष, वे तत, वे माने वे तत् माने उस ब्रह्म माने परमात्मा को, तत् ब्रह्म उस परमात्मा को, संपूर्ण अध्यात्म को तथा संपूर्ण कर्मों को जानते हैं। उनको पूरा ज्ञान हो चुका है, उस परमात्मा को समझ चुके हैं, सारे अध्यात्मिक कर्म को भी जान चुके हैं, तो वो ही यहाँ से जन्म मरण के लिए छूटने का प्रयत्न करते। अब ये 30वां अंतिम अध्याय है इसका, इस 7वें श्लोक का ये समाप्त हो गया। अब 8वां यही प्रारंभ होता है। 8वें अध्याय में अर्जुन पूछता पहले ही श्लोक में कि हे भगवान, फिर कौन है वो तत्परम, कौन है वो परमात्मा, और क्या है वो अध्यात्मिक कर्म। अध्यात्मिक कर्म तो ये बता रहा, मैं नहीं बता सकता, वो तो उपसंत बताओगा। अब क्या पूछा पहले श्लोक में, हे पुरुषोत्तम, किम तत् ब्रह्म, किम वह ब्रह्म क्या है, वो कौन है वो परमात्मा, कौन है वो परमात्मा। फिर तीसरे श्लोक में भगवान उत्तर देता है, इस 7-8वें अध्याय के में, 8वें अध्याय के में तीसरे श्लोक में भगवान ब्रह्म उत्तर देता है, परम अक्षर ब्रह्म है वो, तो वो तीसरे नंबर का भगवान जो उत्तम पुरुष है, तो अन्य वो तो परम अक्षर ब्रह्म है, और मैं अध्यात्म हूं, मैं फलाना हूं, ये बात की उसकी अपनी टिप्पणी है। अब देखो 5वें में, देखो अब 5वें में क्या कहता कि अर्जुन, अब यहां से देखना, 8वें अध्याय में तोड़ पाड़ दिया भगवान ने, कति कमाल कर दिया, भिन्न भिन्न व्याख्या अपनी भी और उस परम पिता की नैरी नैरी दे दी। अब क्या था, जो व्यक्ति, जो साधक अंत काल में भी मुझको ही श्रवण करता हुआ शरीर त्याग कर जाता है, वह मेरे मदभावम यानी मेरे से मिलने वाली राहत में के अंदर हो जाता, मेरे जैसा, मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त होता है। इसका साक्षात स्वरूप नहीं लिखना चाहिए था, ये इनकी अपनी गलत टिप्पणी है, नहीं तो भगवान कहते कि मुझे, कह रहे हैं कि मैं तो कभी किसी को प्राप्त हो ही नहीं सकता। मदभावम यानी मेरे में उसकी आस्था बन जाती है, मेरे में भाव वाला हो जाता है, सीधा अर्थ बने इसका, जो जैसे हमने किसी की पूजा करेंगे उसमें आस्था पर बनी रहेगी, उसके भाव में प्रभावित हो जाते, मेरे में मद भाव मान मेरे में भावित हो जाता, प्राप्त होता है, इसमें कोई संशय नहीं, यानी मेरे पास ही आ जाता है और मेरे ही लोक में रहता है, इसमें कोई शंका नहीं। आगे देखिए अब 6वें में क्या लिखा है, एक कुंती पुत्र, यह मनुष्य, यह साधक अंत काल में जिस जिस भगवान की भक्ति करता है, जिस जिस की भी भाव से श्रवण करता हुआ, भावम, ये देखो भाव माने भाव को, जिस जिस भाव को, जाने जिसने ब्रह्मा की पूजा की, ब्रह्मा के लोक में गया, विष्णु की विष्णु के लोक में, शिव की शिव के लोक में, ब्रह्म की वो ब्रह्म लोक में, भाव से श्रवण करता हुआ शरीर का को त्याग करता है, तो उसको ही प्राप्त होता है और सदा उसी के भाव में भावित रहता है। क्लियर हो गया। अब 7वें में देखो, अब क्या कहते हैं अर्जुन, और मेरी शरण में रहना, तो भाई दोनों काम कर, युद्ध भी कर और भगवान मेरी भक्ति भी कर, इसलिए हे अर्जुन सब समय में निरंतर मेरा श्रवण कर और युद्ध भी कर, इस प्रकार मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि से युक्त होकर निसंदेह तो मुझे ही प्राप्त होगा। 7वें तक तो अपनी महिमा बता दी, अब 8वें 9वें और 10वें में 8वें अध्याय के श्लोकों में कमाल कर दिया। देखिए यहां देखो 8वें का संस्कृत नीचे है, ये 8वां, और यहां क्या बताया है, हे पार्थ, यह नियम है परमेश्वर के ध्यान के अभ्यास रूप से योग से युक्त, परमेश्वर के और दूसरे परमात्मा के अभ्यास योग से युक्त दूसरी ओर न जाने वाले चित्त से निरंतर चिंतन करता हुआ परम प्रकाश रूप देव पुरुष को अर्थात परमेश्वर को ही प्राप्त होता है। परमेश्वर कोई और है, ये भगवान गीता बोल रहा है, वो अपनी स्थिति अलग बता रहा है कि वो परमात्मा, उस वो संत, उस परमात्मा परम दिव्य पुरुषम,
यानी उस परम अक्षर पुरुष को ही प्राप्त होता है, वो पूर्ण ब्रह्म को प्राप्त होता है जो उसकी भक्ति अंतिम सांस तक करता है। आगे देखो नौवे में, जो सर्वज्ञ अनादि सबके नियंत्रता सूक्ष्म से अति सूक्ष्म सबके धारण पोषण करने वाले वो तीन सिरे नंबर के परमात्मा, 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में लिखा है कि उत्तम पुरुष है तू और है, वो भगवान तो कोई और है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता वही अविनाशी भगवान है। या उसी का प्रमाण है कि जो सर्वज्ञ अनादि सबके नियंत्रता सूक्ष्म से अति सूक्ष्म सबके धारण पोषण करने वाले अचिंत स्वरूप सूर्य के सदृश नित चेतन प्रकाश रूप अविद्या से अति प्रे सच्चिदानंद घन परमेश्वर का स्मरण करता है, जो व्यक्ति उस परमेश्वर का स्मरण करता है अंत समय में 8वें अध्याय के और ये नंबर 10 आपके सामने है, उसे लिंक है फिर लीजिए एक बार, 8, 9, 10 को फिर लीजिए, ये 8वें अध्याय का यहां से प्रारंभ इसकी संस्कृत। ये पारथ ये नियम है परमेश्वर के ध्यान अभ्यास रूप से योग युक्त हो, यानी परमात्मा में जो नाम वो संत न तत्वदर्शी उसका अभ्यास बताओगा और उस तरह जो करता हुआ अभ्यास योग से युक्त दूसरी ओर न जाने वाले चित्त से यानी और देवता नहीं पूजे, किसी और में श्रद्धा ना रखे, निरंतर चिंतन करता हुआ परम प्रकाश रूप दीप पुरुष को अर्थात परमेश्वर को ही प्राप्त होता है। ओए होए, अपनी तो पहले बता दी, मेरी तो भक्ति करेगा मेरे पास रहेगा और उसकी करेगा तो उसको प्राप्त होता है। आगे देखो नौवे में लिखा है कि जो परमात्मा जो परमेश्वर सर्वज्ञ यानी वो सबका जानने वाला अनादि सबसे पहले वाला जैसे वो मूल रूप भगवान सबके नियंत्रता सूक्ष्म से अति सूक्ष्म सबके धारण पोषण करने वाले अचिंत स्वरूप सबके धारण पोषण करने वाले अभी आपको बताया वो 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में, और सूर्य के सदृश नित चेतन प्रकाश रूप अविद्या से अति प्रे सचिदानंद घन परमेश्वर का स्मरण करता है वह। अब लगातार है तीनों श्लोक 8, 9, 10 आठवें अध्याय के, वह व्यक्ति भक्ति युक्त पुरुष साधक उस परमात्मा की भक्ति करने वाला साधक योग बल से बरकटी के माध्यम से प्राणों को अच्छी प्रकार स्थापित करके फिर निश्चल मन से स्मरण करता हुआ उस परमात्मा तम ब्रह्म तत् ब्रह्म यानी तम उस दिव्य रूप परम पुरुष परमेश्वर को ही प्राप्त होता है। स्पष्ट हो गया, कति दो भगवानों की नारी नारी व्याख्या, ब्रह्म अपने लिए बता रहा कि मेरी पूजा करता तो मेरे पास आएगा, उसकी पूजा करेगा उसके पास जाएगा, और लेकिन इन देवी देवताओं की तीनों गुण रजगुण ब्रह्मा सदगुण विष्णु तम गुण शिव जी और इसे नीचे की पूजा तो मूर्ख लोग करें, उन बुद्धिहीनों का तो अक्षणिक सुख है वो तो कति ना करनी चाहिए। अब देखो ये पवित्र गीता को समझने की कमी रही ना इसके ज्ञान में कसर कति नहीं, और जब तक हमें ये सत्ज्ञान हमारे हृदय में नहीं समाओगा तो हम इस सारे ही अध्यात्मिक ज्ञान से वंचित रह जाएंगे। अब देखो फिर देख लो दो श्लोक और इससे आपका बिल्कुल भ्रम निवारण फिर हो जाएगा। 15वें अध्याय का 4थे श्लोक में ये काल भगवान कहता है कि जब तुझे वो पूर्ण संत मिल जावे और सारे ब्रह्मंडों और संसार रूपी वृक्ष को समझाने वाला परम संत मिल जाए, उससे उपदेश प्राप्त करके फिर उसके ज्ञान को प्राप्त करके फिर उसके पश्चात उस परम पिता परमेश्वर को, ओए होए 15वें अध्याय का ये देखो यहां ले 4था श्लोक, उसके पश्चात उस परम पद रूप परमेश्वर को भलीभांति खोजना चाहिए जिसमें गए हुए भक्त आत्मा पुरुष जन्म मरण में नहीं आते, जन्म मृत्यु नहीं होता, फिर लौटकर संसार में नहीं आते, और जिस परमेश्वर से इस पुरातन संसार रूपी वृक्ष की प्रवृत्ति यानी सब ब्रह्मंडों की रचना जिसने की है विस्तार को प्राप्त हुई है, उसी आदि पुरुष नारायण की ओय होय उस परम देव परमेश्वर की मैं शरण हूं, उसके अधीन हूं मैं भी उसका उसका दास हूं, उसकी शरण में हूं। स्पष्ट लिखा आपके सामने, और इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उसी परमेश्वर का मनन और नीति ध्यान करना चाहिए। अब फिर देखो 18वें अध्याय का 62वां श्लोक, इससे फिर लिंक होगा, क्योंकि ये ऐसा अजीबोगरीब ज्ञान है, ऐसा सत कथा है कि इसको कई बार समझोगे कई बार सुनोगे जब वो पुराना रंग युगों युगों का हृदय से हटेगा। 18वें अध्याय का और ये 62वां श्लोक, हे भारत सब प्रकार से उस परमेश्वर की शरण में जा
जिसकी कृपा से जिस उस परमात्मा की कृपा से ही परम तू परम शांति को तथा सनातन परम धाम को प्राप्त होगा, सतलोक से ला जाएगा, जिसके बाद तेरी कभी मृत्यु नहीं होगी। और आगे देखो अब इसके 63वें और 64वें श्लोक को फिर सुनो, क्योंकि 98वां अध्याय अंतिम अध्याय पवित्र गीता जी का और ये अंतिम श्लोक लगभग चल रहे हैं, क्योंकि 78वें श्लोक में समाप्त हो जाती है। अब 63वें श्लोक में कहता है कि ये सारा गीता का ज्ञान गुप्त से गुप्त था, यू तेरे तो ही बता दिया मैंने, इस प्रकार ये गोपनीय यानी गुप्त से गुप्त ज्ञान मैंने तुझसे कह दिया, अब तेरी समझ में आवे यूं कर ले, अब मेरी पूजा करनी है तो मेरी शरण में आ जा। इस रहस्ययुक्त ज्ञान को पूर्णतः भली भांति समझ कर विचार कर जैसे चाहता है वो ऐसा कर ले, मेरी पूजा करनी है तथाथ यार युद्ध भी कर और स्मरण भी कर, और उसकी शरण चाहता न जाना है तो उस परमात्मा के पास उस संत न ढूंढ ले, फिर मेरी पूजा मुझ में छोड़ कर उसके पास चला जा, फिर मैं तुझे सब पापों से मुक्त करूं। अब आगे देखो 64वें में क्या कहा है कि एक और गुप्त बताऊं, मेरा पूज्य देव भी वही है, मैं उसकी पूजा करता हूं, वह मेरा भगवान है। संस्कृत देखो, ये हिंदी नहीं समझ में आएगी आपके, क्योंकि इन संतों ने ये ज्ञान नहीं था पूरा। सर्व गुहेतम सबसे गुप्त गुप्त और गुप्त बताऊं, भूय माने दोबारा, सुनो माने स्वर्ण, मे माने मेरे, परम माने विशेष, वच माने वचन। अब मेरे और गुप्त गुप्त विशेष वचन और सुन ले, क्या बताना चाहता हूं कि मेरा पूज्य देव भी वही है। इष्ट में असी, संस्कृत देखो, बालक तो बालक समझ जाए इसने, इष्ट माने इष्ट देव, असी माने है, मे माने मेरा, दृढ़ माने पक्का, नो डाउट, इति माने यही, जिसकी तरफ मैं तेरा संकेत कर रहा हूं कि वो भगवान की शरण में चला जा, मेरा भी ये पक्का। इष्ट माने इष्ट देव, असी माने है, मे माने मेरा, दर्डम इति यही, जिसकी तरफ मैं संकेत करता हूं, ये मेरा भी पक्का, नो डाउट, निसंशय मेरा पूज्य देव है। तत्वक्षामि ते हितम, ये तेरे हित में कहूंगा, मैंने आज तक किसी को नहीं बताई यह बात। अब ये क्या लिखा, इन्होंने थोड़ी सी गलती अपने हिसाब से कर दी कि संपूर्ण गोपनीयों से भी गोपनीय, क्योंकि एक तो ऊपर बता दिया 63 में कि इस प्रकार ये गोपनीय से गोपनीय ज्ञान मैंने तुझे कह दिया, ये तो कह दिया कि जब मेरी शरण में आना तो मेरी भक्ति कर, उसकी शरण में जाना उसकी कर, ये गुप्त ज्ञान बता दिया। अब फिर कहा कि और गुप्त से गुप्त संपूर्ण गोपनीयों से गोपनीय है, मेरे परम वचनों को और सुन, फिर सुन। अब यहां अगर ये ढंग से कर देते ना, मे माने मेरा, अतिशय माने पक्का, इष्ट माने पूज्य देव है, पहले सारी कहानी हो जाती, इष्ट माने पर ये कर दिया, इष्ट माने पूज्य देव लिखना था कि मेरा पूज्य देव यही है जिसकी तरफ मैं तुझे संकेत कर रहा हूं, सारी कहानी ठीक हो जाती। ऐसे ये बात आपके अब समझ में आएगी, कोई बात नहीं, पहले भी हम गीता को एक अनमोल शास्त्र जानकर संतों द्वारा उसकी टिप्पणी जैसी उनकी सोच ने काम किया हमें बता दिया, हमने फाइनल कर ली, अब हम इनको पढ़ भी सकते हैं, हमारे शिक्षित बहन भाई बुजुर्ग सारे, कोई बालक को नहीं जिनको टोपी देगा बड़ो ले, हमारे पुरुष तो बोली आत्मा थी जिनने जैसे उनको बताया उनने मान लिया, उनके आधार पर हम आगे चल रहे, हमने कोई इतना सोचने की आवश्यकता है ना, समझी कि इसे महापुरुष हो ऋषि जन, उन्होंने ठीक निर्णय ले रखा होगा, लेकिन नहीं, ये तो ज्ञान किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है, ये मूल शास्त्र सबके लिए है, मूल ज्ञान इनमें सही है, लेकिन संतों के द्वारा दी गई सोच वो इनसे सही नहीं मिल रही, वो फिर ठीक करेंगे, और फिर देखिए पूरा पूरा वर्ल्ड पूरा संसार एक परम पिता आधारित होकर अपना कल्याण करवा होगा, ये ज्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि परमात्मा हमारा एक है, ना कोई हिंदू है, ना मुसलमान, सिख ना ईसाई, हम एक पिता की संतान, हमारा भगवान एक, हमारे चारों पवित्र शास्त्र चारों धर्मों के एक का बात बताऊं वो सामने दिखाऊंगा आपको, कति पिक्चर के ऊपर दिखाएंगे चारों धर्मों के अंदर क्या क्या लिखा है। बोलो सतगुरुदेव की। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर परमेश्वर की असीम रजा से इस पवित्र नगरी दिल्ली के अंदर ये अमर कथा 6 अप्रैल सन 2004 से प्रारंभ हुई, जिस पुन नगरी के पुनोदय होते हैं वहां पर संत समागम प्रारंभ हुआ करते हैं, और जो पुण्यात्मा ऐसे शुभ समागम में आने का सुअवसर प्राप्त करती हैं वो बहुत ही पुण्यकर्मी और शुभ संस्कारी अंशात्मा हुआ करती हैं। कबीर परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म ये सत्पुरुष है,
सत्पुरुष मीन अविनाशी परमात्मा, सत माने शाश्वतम सदा रहने वाला जिसका कभी अस्तित्व समाप्त ना होए उसे सत कहते हैं, और पुरुष माने प्रभु भगवान सत्पुरुष। अविनाशी परमात्मा सत्यनारायण, सत्यनारायण माने अविनाशी भगवान, अकाल मूर्त जिस प्रभु का स्वरूप, क्योंकि परमात्मा मनुष्य जैसा है आकार में है, जिस प्रभु का स्वरूप कभी काल के वश ना हो, जिसका कभी काल ना आवे उसे अकाल पुरुष कहते हैं। शब्द कभी खंड नहीं होता, वो सत्य होता है। शब्द स्वरूपी राम अर्थात अविनाशी प्रभु, राम कहो गॉड कहो अल्लाह कहो चाहे खुदा कहो, ये प्रभु के पर्यायवाची और भाषा भिन्न नाम होते हैं। वो परमात्मा पूर्ण ब्रह्म, वो सत्पुरुष स्वयं ही इस काल के लोक में आते हैं, अपने द्वारा रची हुई सृष्टि रचना को वही स्वयं बताते हैं और हमें ये ज्ञान देते हैं कि तुम इस काल के जाल में फंसे हुए हो और जन्म और मृत्यु में तुम असंख्य युग से पीड़ित हो। उस परमपिता के बिना कोई हमें ये नहीं बता सकता हम कौन हैं, कहां से आए हैं, हमारा वास्तविक ठिकाना कहाँ है। जो पुण्यात्मा कल से सत्संग में आ रहे हैं उनको ये तो पता लग गया होगा कि कौन परमात्मा कौन प्रभु कितनी स्थिति के हैं, और ये भी पता लग गया है कि कुल मालिक कोई और है, जो जिसमें गीता बोलने वाले भगवान भी संकेत कर रहे हैं और आपको वेदों में प्रमाण दिया जाएगा, वेद भी यही संकेत करते हैं जो गीता जी कर रही है। वो परमात्मा कौन है, कैसा है, कहाँ है, उसकी प्राप्ति कैसे हो सकती है, ये भी जानकारी इस चार दिन के सत्संग में आपको बहुत कुछ दी जाएगी। वो परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म स्वयं ही आकर के एक दास बनते हैं, स्वयं ही भक्त बनते हैं और स्वयं ही परमात्मा का रोल भी करते हैं। वो हमें क्या समझाना चाहते हैं कि लूट सको तो लूटियो राम नाम की लूट, पीछे फिर पछताओगे प्राण जाएंगे छूटे। लूट सको तो लूट लो राम नाम की लूट। अब जब ये राम नाम आता है तो हिंदू समाज के भक्त आत्माओं के हृदय में भगवान श्री रामचंद्र जी की तरफ आस्था बढ़ जाती है कि ये राम जो है वही राम जो भगवान श्री राम को हम राम मान लेते हैं। देखो पहले हमने राम की परिभाषा से परिचित होना पड़ेगा, प्रभु की परिभाषा से। राम कहते किसे हैं? राम एक शक्ति बोधक शब्द है, उसे राम कहो चाहे साहेब कहो, अल्लाह कहो भावे गॉड कहो, रब कहो चाहे खुदा कहो, ये एक भाषा भिन्न और पर्यायवाची शक्ति बोधक शब्द है। जैसे एक प्रांत में मुख्यमंत्री होता है उसके अंतर्गत कई मंत्रीगण होते हैं, मंत्री भी साहेब है, मुख्यमंत्री को भी मुख्यमंत्री साहेब कहा जाता है, और प्रधानमंत्री जो कई एक मुख्यमंत्रियों के ऊपर पावर होती है शक्ति होती है वो प्रधानमंत्री भी साहेब कहलाता है और राष्ट्रपति को भी साहब कहते हैं। लेकिन इन साहबों की इन स्वामियों की इन मालिकों की शक्ति में दिन और रात का अंतर होता चला जाता है। ठीक इसी प्रकार तीन लोक के भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, तीन लोक के एक एक विभाग के मंत्री एक ब्रह्मांड में, एक ब्रह्मांड में एक एक विभाग के मंत्री मिनिस्टर हैं, ये भी साहब हैं, राम हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश भी राम हैं, इनके पिता 21 ब्रह्मांड के राम हैं। ये ब्रह्मा विष्णु महेश एक ब्रह्मांड में एक विभागीय मंत्री हैं, ये भी मालिक हैं, इनकी भी शक्ति है, और इनके पिता मुख्यमंत्री का रोल करते हैं हर ब्रह्मांड में 21 ब्रह्मांड में कुल।
ये 21 ब्रह्मांड का ये काल राम है, ब्रह्म राम है, ब्रह्म साहिब है, और 7 संग ब्रह्मांड का राम खुदा जो है राम साहिब को, ये परब्रह्म है अर्थात अक्षर पुरुष है, और असंख्य ब्रह्मांड का और साथ में इन काल के 21 ब्रह्मांडों का साथ में परब्रह्म के 7 संग ब्रह्मांड के ऊपर भी और अपने भी असंख्यों कुल मिलाकर इन्फिनिटी असंख्य ब्रह्मांडों का कुल राम कुल मालिक वो पूर्ण ब्रह्म है, सतपुरुष है। अब फिर देखिएगा, क्योंकि हर सत्संग में नई आत्मा आती है और उनको ये भूमिका नहीं मिलेगी तो वो इस 2 घंटे के सत्संग का आनंद प्राप्त नहीं कर सकेंगे, विचलित रहेगा उनका दिमाग। ये देखिएगा एक ब्रह्मांड है, इसको अंड भी कहते हैं क्योंकि इसका आकार अंडे जैसा है सारे के सारे का, और इसको पेंड कहते हैं क्योंकि पेंड शरीर को बोलते हैं संत भाषा में पेंड, और ये पेंड जो है शरीर है, इस शरीर के अंदर एक ही ब्रह्मांड की जानकारी है अन्य की नहीं है, इसी को अंड इसी को ब्रह्मांड इसी को पेंड भी कहते हैं। ये एक ब्रह्मांड है और इसमें ये एक ब्रह्म लोक अलग से इस काल भगवान ने, क्योंकि ये ब्रह्म जो है इन 21 ब्रह्मांडों का मालिक है, इसने ऐसी अपने राजधानी अलग से बनाई है, इसमें ये स्वयं यहाँ महाविष्णु रूप में रहता है और दुर्गा को महालक्ष्मी रूप में रखता है, यहाँ पर जो पुत्र होता है इन दोनों के सहयोग से उसका उसको ये सतोगुण बनाकर और विष्णु नाम रख देते हैं, तो इसको बेहोश कर देते हैं। उसके बाद ये तमोगुण प्रधान अक्षेत्र है, इसमें यह स्वयं सदाशिव महाशिव रूप में काल रहता है, ब्रह्म रहता है, क्षरपुरुष और दुर्गा को महापार्वती रूप में रखता है। यहाँ जब इन दोनों के सहयोग से जो संतान उत्पत्ति होती है पुत्र, उसका नाम ये रुद्र और तमोगुण बढ़ा देते हैं, नाम रुद्र रख देते हैं। और जब ये रजोगुण प्रधान क्षेत्र में ये दोनों रहते हैं, दुर्गा और ये काल, ये महाब्रह्मा के रूप में रहता है, दुर्गा को महाश्यावत्री रूप में रखता है। यहाँ इन दोनों के संयोग से जो पुत्र उत्पन्न होता है उसको रजोगुण बढ़ा देते हैं और उसका नाम ब्रह्मा रख देते हैं। उसके बाद इन तीनों पुत्रों को जब ये सियाने बड़े हो जाते हैं, जवान हो जाते हैं, तब तक बेहोश रखते हैं और इनकी परवरिश जारी रखते हैं। इसके बाद इन तीनों को यहाँ लाते हैं, नीचे इनके 3 द्वीप और बना रखे इस ब्रह्मलोक तन्यारे, यहाँ विष्णुलोक, इसमें इनका पुत्र ब्रह्म काल का पुत्र विष्णु साथ में इनकी शादी कर दी जाती है, ये लक्ष्मी रूप में एक इनके शादी कर दी जाती है, और यहाँ ब्रह्मा और सावित्री, शंकर और पार्वती, इन तीनों के 3 अलग से राजधानी बनाकर ये तीनों भगवान, ये तीनों मंत्री अपनी यहाँ राजधानियों से इन 3 लोकों के ऊपर कंट्रोल करते हैं, एक एक विभाग के मंत्री हैं। ये पृथ्वी लोक जिसमें हम बैठे हैं, स्वर्गलोक और ये नीचे पाताल लोक, इन तीनों में एक एक विभाग के मंत्री हैं। जैसे रजोगुण के दबाव से जीवों की उत्पत्ति करवाना भगवान ब्रह्मा का अक्षेत्र है, यानी इसका यो विभाग है, और फिर संसारिक सुखों के ऊपर ये सारा जीवन बर्बाद कर देना, लगा रहना, ये इस गुण के प्रभाव से ये जीव कंट्रोल्ड होते हैं इनके द्वारा। और विष्णु जी का सतीथी बनाए रखना है, एक दूसरे मोह ममता पैदा करे रखना, अंतिम श्वास तक मृत्यु तक इसका दिल यहाँ से हटे नहीं, और शंकर भगवान का काम यहाँ से मृत्यु कर देना। इन तीनों भगवानों का एक एक विभाग का ये मंत्री है इस एक ब्रह्मांड में। अब इस काल भगवान के ये एक ब्रह्मांड का लघु चित्र, ऐसे ऐसे इस काल भगवान के ज्योत निरंजन के 21 ब्रह्मांड हैं। ज्योत निरंजन अर्थात काल ब्रह्म के लोक 21 ब्रह्मांड का लघु चित्र ये देखिएगा। ये मानो कोई सा भी एक इनमें से आपने देखा, इन सब में एक जैसी सतीथी है। ये 5 ब्रह्मांडों का एक ग्रुप बना के एक महाब्रह्मांड बनाया हुआ है। ऐसे ऐसे 4 महाब्रह्मांडों में 20 ब्रह्मांडों को रोका है, और इनमें प्रत्येक में एक ब्रह्मा एक विष्णु एक शिव एक विभागीय मंत्री होते हैं, और काल स्वयं इनमें एज ए चीफ मिनिस्टर रोल करता है, मुख्यमंत्री बना रहता है इनमें। और फिर यहां से अलग इसने एक लोक एक महाब्रह्मांड जितना स्थान लेकर ये भी बना रखा है अलग से अपनी राजधानी। अब ये 21 ब्रह्मांड हुए,
और ब्रह्मा विष्णु महेश केवल एक ब्रह्मांड में एक विभागीय मंत्री हुए, ये भी पावर रखते हैं, लेकिन इस परम पिता की तुलना में अब देखिए ये कहां से स्थिति है इन भगवानों की, जब ये ज्ञान होने से जानकारी हुआ करती है। अभी आपने देखा ये ज्योत निरंजन काल के 21 ब्रह्मांड ये हैं, और जिसमें इस एक ब्रह्मांड में किसी एक में लीजिए ब्रह्मा विष्णु महेश एक विभाग के मंत्री एक एक विभाग के, और ये सात संघ ब्रह्मांड ये ब्राउन कलर जो दिखाई देता है इसमें छोटी छोटी टिक्कियां नजर आती है बिंदी सी, ये जो है ये सात संघ ब्रह्मांड इस पर ब्रह्म के हैं अक्षर पुरुष के, और ये कुल मालिक असंघ ब्रह्मांड इस पूर्ण ब्रह्म के सतपुरुष के कबीर परमेश्वर के कबीर देव के असंघ ब्रह्मांड है। अब यहां देखिएगा राम तो साहेब ये ब्रह्मा विष्णु महेश भी राम है, इनके पिता काल भी इतने क्षेत्र के राम है, और ये परब्रह्म भी केवल इतने क्षेत्र का राम है, और ये इन्फिनिटी यहां भी अंत नहीं है, यहां भी अंत नहीं है, और ये ऊपर भी अलख लोक अगम लोक अनामी लोक में भी यही परमेश्वर स्वयं ही अन्य रूप धारण करके अपना कार्य करता है, ये कुल मालिक कबीर देव है। अब ये समझ में आया कि पहले तो कबीर साहब कहते हैं राम नाम रटते रहो जब तक घट में प्राण, कबो तो दीन दयाल के बिनक पड़गी कान, राम नाम रटते रहो। अब ये देखना कि कौन से राम का नाम रटे हैं, जैसे पवित्र गीता जी में आपने सुबह भी सुना आपने कल भी सुना और आंखों देखा भी अपने इस प्रोजेक्टर के ऊपर के सातवें अध्याय के 12 से लेकर 15 और 20 से लेकर 23 श्लोकों में स्पष्ट किया है कि तीनों गुण रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिवजी की पूजा नादान व्यक्ति करते हैं, और अन्य देवताओं की पूजा भी मूर्ख लोग करते हैं, क्योंकि उनका अक्षीणिक सुख प्राप्त करके शीघ्र ही विनाश को प्राप्त हो जाते हैं। फिर ये ब्रह्म गीता बोल रहा है, कहता है कि मेरी भक्ति भी अनुतम है, लेकिन और देवताओं से मेरी अच्छी है, हजार गुना अच्छी है, ब्रह्मा विष्णु महेश से तो ब्रह्म साधना हजार गुना अच्छी है, लेकिन मेरी भक्ति भी अनुतमाम घटिया से घटिया, क्योंकि जन्म मृत्यु मिटे नहीं, कर्म दंड कटे नहीं, तो फिर के भक्ति हुई, कुछ भी को ना। फिर बताया कि परब्रह्म की भक्ति भी अनुतम है, क्योंकि वो विनाशवान है, लेकिन अविनाशी परमात्मा कोई इन दोनों से परब्रह्म और परब्रह्म से भी कोई और है, वही पूजा के योग्य है। गीता बोलने वाला भगवान कहता मैं भी उसी की पूजा करता हूं, तो उस राम की पूजा हमने करनी है जिसकी सभी करते हैं, और उसी की पूजा से हमें पूर्ण लाभ होगा। जैसे एक कैसा दे सब सदे सब सदे सब जावे, एक कैसा दे सब सदे, जैसे सुबह भी दिखा था फिर दिखाएंगे, क्योंकि ये एक कैसा दे सब सदे, जब हम पौधा लगाएंगे भक्ति रूपी तो इस जड़ को मिट्टी में या गमले में लगा कर उसकी सिंचाई शुरू करेंगे, पूजा शुरू करेंगे, तो अक्षर पुरुष एक पेड़ है और निरंजन वाकी डार, ये निरंजन ब्रह्म क्षर पुरुष ये डार है, इसके तीन बेटे हैं, तीन शाखा हैं, रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु और तमगुण शिव जी, रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी, ये तीनों देवा शाखा हैं, तीनों गुण रूपी शाखा हैं, और ये पात्र रूप संसार हम यहां बैठे हैं। अब क्या बताया है, एक कैसा दे सब सद है, ये तना जो है ये परब्रह्म है, अक्षर पुरुष है, इसको परब्रह्म भी कहते हैं, ये तना अक्षर पुरुष परब्रह्म समझो इस पौधे का, और फिर ऊपर ये डार ब्रह्म क्षर पुरुष है, और ये तीनों देवा शाखा ब्रह्मा रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी, और पात्र रूप संसार कबीर परमेश्वर अपने द्वारा रची हुई महिमा को आपको बता रहे हैं। अब हमने करना था ऐसे कि एक के साधे सब सद,
और हम ऐसे करने लगे, देवताओं को पूजने लगे, ब्रह्मा विष्णु महेश को पूजने लगे, मूल छोड़ दिया, उल्टा पौधा हो गया तो व्यर्थ हुआ। यही गीता जी बताती है कि वो नादान आत्मा कभी सफल नहीं हो सकते। एक कैसा दे सब साधे सब साधे सब जावे माली सिचे मूल को तो यहाँ फले फूले गावे। अब ऐसे करना हमने, और कुछ भी नहीं, ना छोड़ना है ना कुछ करना है, हमने ऐसे करना जैसे अपनी पवित्र गीता बतावे। आप सुन रहे थे जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222888 0541।